बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में एरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर राधाकांत पाढ़ी का कहना है कि अगर सब कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तब भी चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। प्रोफेसर पाढ़ी, आपको बता दें कि चंद्रयान 2 और 3 दोनों के लॉन्च पे शामिल रहे हैं। उनसे बात की पल्लव बागला ने, ये खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। भारत चंद्रयान 3 मिशन कर रहा है, चांद की तरफ रुख किया है और बहुत उम्मीद है कि इस बारी विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हाथ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी हाथ है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राधाकांत पाढ़ी, वो प्रोफेसर हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, और उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है चंद्रयान 2 में भी और चंद्रयान 3 में भी। पाढ़ी साहब, ये बताइए, नमस्कार जी, ये बताइए, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि इस बारी भारत सॉफ्ट लैंड कर पाएगा? मुझे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत सारा जो डिफिकल्टीज था चंद्रयान 2 के मिशन में वो आइडेंटिफाई हो चुका है, और जितना भी आइडेंटिफाई हुआ है सारे के सारे प्रॉब्लम निपटा दिया गया, बेसिकली सारे के सारे प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया बेसिकली। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि सक्सेसफुली लैंड होगा। चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं चंद्रयान 2 से, फिर थोड़ी बात भी करेंगे चंद्रयान 2 में क्या क्या खराबी हुई थी, लेकिन पहले ये बताइए कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव आए? काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो इसको आप 4 या 5 मेजर इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं। एक तो मेजर इम्प्रूवमेंट ये है कि आपका जो सेटेलाइट ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 मिशन से, अभी और एक ऑर्बिटर नहीं चाहिए, इसीलिए उसका जो मास था वो मास से थोड़ा निकाल के आप लैंडर में डाल दिए। उससे फायदा ये होता है कि आपको थोड़ा फ्यूल मार्जिन बढ़ जाता है, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि फ्यूल से मतलब रन आउट नहीं होगा, फ्यूल रहेगा बेसिकली लैंडर। सेकेंडली वो लेग जो है टच डाउन के टाइम पे जो लेग होता है उसको थोड़ा स्ट्रांग किया गया बेसिकली, सो दैट वो मास के लिए एडवांटेज हुआ, और वो थोड़ा पे लोड भी थोड़ा आप ज्यादा ले सकते हैं स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के लिए, वो तो मेन एडवांटेज हो गया। और जो फेलियर एनालिसिस के बाद जो हमको मिला था जो कि इंजन का प्रॉब्लम था बेसिकली, तो इंजन का प्रॉब्लम भी रेक्टिफाई किया गया बेसिकली, अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा बेसिकली, बार बार टेस्ट किया गया उसको एक्चुअली। सो इंजन का जो थोड़ा ओवर परफॉर्मेंस हो गया था वो ओवर परफॉर्मेंस अभी नहीं होगा, अगर हो भी गया और अगर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस भी हो गया उसके लिए थ्रस्ट कंट्रोल रेगुलेशन लॉजिक भी है, तो वो होने नहीं देगा बेसिकली आपको, तो थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी आपको जितना थ्रस्ट चाहिए उतना ही मिलेगा बेसिकली। So, उसका फीडबैक कंट्रोल लूप डाला गया उसके अंदर। So, कई मायनों में चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 से टेस्टिंग ज्यादा करी गई है, बहुत ज्यादा किया गया है बस, क्योंकि चंद्रयान 2 का तो थोड़ा बहुत पहले आपको सोचना चाहिए कि चंद्रयान 2 तो पहला लैंडिंग मिशन था, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था, इसलिए कुछ नहीं होगा, जो पोटोवेशन होता है तो हम लोग करते हैं आराम से हो जाएगा इसे, तो थोड़ा सक्सेस ओरिएंटेड था इसलिए माइंडसेट, इसलिए थोड़ा ज़्यादा उसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, सो ज़्यादा स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया गया बेसिकली। बट एक बार अगर फेलियर हो गया तो आपको सबके ऊपर डाउट आता है, ये खराब हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अभी अब जो डिजाइन जो हुआ है तो फेलियर मोड में, सारे हर एक चीज़ फेलियर हो सकता है, इसी को समझ में रखते इसको ध्यान में रखते हुए किया गया बेसिकली, इसलिए आपका टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है बेसिकली। तो आपको उम्मीद है कि चंद्रयान 3 अच्छे से परफॉर्म करेगा और इस बारी भारत को सक्सेस मिलेगा सॉफ्ट लैंडिंग सेलेस्टियल बॉडी? सर्टेनली यस, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट के हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि नहीं ये नहीं कि हमारा गाइडेंस लॉजिक यूज हुआ है, वो तो अच्छी बात है, हम लोग तो कंट्रीब्यूट किया ही बेसिकली, बट लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू इसरो। रिमेंबर राइट, इसे पहले बताया कि ज्यादा पैंडेमिक के टाइम पे भी किए हैं बेसिकली, वो फील्ड टेस्ट आपको फील्ड में जाके करना पड़ता है, तो घर में बैठ के नहीं कर सकते, और इतना सारा जो सोच के किया गया प्रोपल्शन मॉड्यूल जो बोले सेटेलाइट ने, वो तो वेरी इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस बेसिकली। सो बहुत ज्यादा जितना सारा काम हुआ है उसके हिसाब से देखते हुए मैं तो ऑलमोस्ट 100% कॉन्फिडेंट हूं कि नॉट ओनली ये सॉफ्ट लैंड करेगा बल्कि टारगेट पे ही लैंड करेगा।